गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रियंका गुप्ता आपके साथ आई हूँ समान हिंदी लेके। लास्ट क्लास आप अगर आज आपने क्लास देखनी है तो सबसे पहले आप क्या करें, हमारी जो पिछली क्लास है इसके पहले वाली क्लास है उसको देखिए, क्योंकि उसमें मैंने भाषा, बोली और उपभाषा के बारे में बताया गया है कि बोलियाँ, बोली जो है आपकी 17 प्रकार की होती है और उपभाषा भाषा और बोली के बीच की कड़ी होती है। और उपभाषा कितनी बताई थी मैंने, 5 प्रकार की बताई थी। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, वो जो 5 प्रकार की उपभाषा हैं उनका और कैसे विभाजन किया गया है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग को, या फिर जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट हो, लगता है कि यहाँ पर यूज़ की है तो उपयोग की है तो आप वहाँ पर शेयर कर दीजिए। क्लियर? तो सबसे पहले हमारी आती है कौन सी उपभाषा, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी अगर आप पूर्व डायरेक्शन में चले जाते हैं, आप ईस्ट डायरेक्शन में चले जाते हैं दिशा की ओर, तो आपको कौन कौन सी आएंगी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी। क्लियर? तो पूर्वी हिंदी में बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी कितनी आती हैं आपकी बोली, 3 बोलियां आती हैं। बघेली आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, रीवा और सतना सीधी साइड का जो आपका हिस्सा है, क्षेत्र है, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, बघेली। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बोली जाती है या आपकी बोली बोली जाती है छत्तीसगढ़ी। और अवधी बोली जाती है जो हमारे चित्रकूट साइड का एरिया है। अगर हम बात करें तुलसीदास जी की, जिन्होंने क्या लिखा हुआ है, रामायण लिखा हुआ है, तो वो किस भाषा में लिखा हुआ है, अवधी भाषा में। तो जो पूर्वी हिंदी है उसको 3 भागों में विभाजन किया गया है, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। याद हो जाएंगे क्योंकि मैंने आपको क्षेत्र बता दिया कि किस किस क्षेत्र में इनका किस किस क्षेत्र में ये बोली जाती है। तो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन बन के आता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, जो तुलसीदास जी ने लिखी हुई है, तो आंसर क्या होगा हमारा, अवधी। क्लियर? इसके बाद आता है पश्चिमी। आप मैप देखिए, इंडिया का मैप देखिए, पश्चिम साइड। तो जब पश्चिम साइड या बेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे आपको, तो आपको क्या मिलेगी, खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही क्या कहते हैं, कौरवी। क्यों? आप दिल्ली, जो हमारे कौरव पांडव थे उनका राज्य या शासन कहाँ था, दिल्ली, जिसका नाम हस्तिनापुर था। तो वहाँ पर जो भाषा बोली जाती थी उसको बोलते थे खड़ी बोली। मैंने कल लास्ट क्लास में आपको बताया गया था, जो अमीर खुसरो थे उन्होंने अपना जो लेखन किया था, साहित्य का लेखन किया था, वो कौन सी भाषा में किया था, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली, अमीर खुसरो किस काल में थे, मुगल काल में। तो इनका शासन कहाँ था आपका, दिल्ली में था, दिल्ली में शासन था, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पश्चिम साइड में खड़ी बोली। मतलब ऑलमोस्ट हम नहीं बोल सकते कि दिल्ली हमारा पश्चिम साइड है, ये डायरेक्शन तो हमारा चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपना ध्यान लगाएं कि उसी ऑलमोस्ट उसी डायरेक्शन में पड़ेगा। तो खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, ब्रज मतलब कृष्ण भगवान की भाषा, जहां पर मथुरा पड़ता है, तो मथुरा भी किस डायरेक्शन में पड़ता है आपका, ऑलमोस्ट पश्चिम या नॉर्थ साइड जाओगे आप तो उसी डायरेक्शन में आपका नॉर्थ, तो बेस्ट डायरेक्शन में आपका मथुरा पड़ेगा। तो मथुरा में श्री कृष्ण जी का वास था और वहाँ पर हम कौन सी भाषा थी हमारी, ब्रज भाषा। और बुंदेली, बुंदेली कैसे याद करेंगे, मालवा, जो मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र पड़ता है वो उस एरिया को क्या कहते हैं, बुंदेल कहते हैं, बुंदेली एरिया कहते हैं। तो बुंदेली और हरियाणा, हरियाणा तो सबको याद हो जाएगा, राजस्थान और हरियाणा का डायरेक्शन क्या है आपका, बेस्ट डायरेक्शन। तो अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब पश्चिमी साइड कौन कौन सी बोली बोलियां जाती हैं, 5, उनका नाम है खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली, हरियाणी। क्लियर? तो आई थिंक पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप थोड़ा मैप का डायरेक्शन लेके याद करें तो आपको इजी वे में याद भी होता चला जाएगा। और तीसरा आता है आपका बिहारी। बिहारी में एक तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, बिहार के लोग जो होते हैं कौन सी भाषा का यूज़ करते हैं, भोजपुरी भाषा का यूज़ करते हैं। जो हमारी मूवी बनती है, भोजपुरी मूवी भी बनती है, भोजपुरी गाने बनते हैं, तो ये हमारी कौन सी भाषा है, भोजपुरी। और वो कहाँ से आई है, बिहार से। तो बिहारी में मगही, मैथिली और भोजपुरी, बिहारी को कितनी उपभाषा, जो बिहारी उसको कितनी बोलियों में विभाजन किया गया है, 3 में, मगही, मैथिली
और भोजपुरी। क्लियर। अब नेक्स्ट आती है आपकी पहाड़ी। पहाड़ी का मतलब है जो हिल स्टेशन, जो पहाड़ी क्षेत्र हमारे भारत देश में वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्र हमारा क्या है, नेपाली, और दूसरा गढ़वाली। गढ़वाली उत्तराखंड साइड का है, तो गढ़वाली और दूसरा क्या है हमारा, नेपाली। तो हमें याद हो जाएगा पहाड़ी में कितने आते हैं आपकी, दो टाइप की आती हैं, एक आपका आता है नेपाली और दूसरा गढ़वाली। गढ़वाली क्या है, उत्तराखंड, ऐसे याद हो जाएगा हमको। क्लियर। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के डायरेक्शन में देखा जाए तो राजस्थान को चार डायरेक्शन में डिवाइड किया गया है। ये आपका होगा पूर्वी, ये होगा आपका पश्चिम एरिया, ये आपका उत्तर एरिया, और ये आपका दक्षिण एरिया। तो राजस्थान के पूर्व में कौन सी भाषा बोली जाती है, जयपुर। राजस्थान के पूर्व में क्या पड़ता है आपका, जयपुर पड़ता है। ऊपर नॉर्थ साइड मेवाती भाषा बोली जाती है, पश्चिम साइड मारवाड़ी, और यहाँ पर मालवी। क्लियर। तो अगर हमसे बोला जाता है कि उपभाषाएं कितनी होती हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, पांच, पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, पहाड़ी और मारवाड़ी। 1 2 3 4 5। क्लियर। पूर्वी हिंदी में कितनी आती है, तीन। कौन कौन सी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। हमसे पूछा जाएगा खड़ी बोली किसकी है तो हमारा आंसर क्या होगा, पश्चिमी से। हमसे पूछा जाएगा ब्रज भाषा किससे आई हुई है तो हमारा क्या होगा, पश्चिमी हिंदी से आया। हमसे पूछा जाएगा भोजपुरी किस भाषा से आई है, कौन से उपभाषा से आई है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बिहारी। हमसे पूछा जाएगा मैथिली, मैथिली किससे आई हुई है तो हम क्या बोलेंगे, बिहारी। तो बिहारी में कौन कौन सी होगी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। नेपाली, नेपाली जो हमारी उपभाषा है वो बोली है वो कहाँ से आई हुई है, पहाड़ी का, पहाड़ी हिंदी से नेपाली आई हुई है। और राजस्थान में कितनी है, चार, मेवाती, मालवी, जयपुर और मारवाड़ी। जयपुर, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, चारों डायरेक्शन बना लेंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन करिए और नोट डाउन को साथ में आप इंडिया का मैप भी रख लीजिए, तो इंडिया के मैप से हमको याद भी होता चला जाएगा। थैंक यू।